गुड मॉर्निंग एवरी वन आज इस वीडियो में मैं क्लास एट के कंपेयरिंग क्वान्टिटी चैप्टर की एक्सरसाइज जो है एट पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर नाइन एक्सप्लेन करूंगा ठीक है तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कह रहे फाइन दी अमाउंट विच राम विल गेट ऑन रुपीज फोर थाउजेंड सिक्स रुपीज़ इफ़ ही गेव इट फॉर एटीन मंथ एट ट्वेल्व एंड हाफ परसेंट ऑफ पर एनम ये हमारा रेट दे रखा है जो कि मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ एली और ये क्या है हाफ एली में हमें कैलकुलेट कर, करना है ठीक है हाफ एली में हमने कैलकुलेटर कभी कर रखा है और ये हमारा मंथ दे रखे है एटीन मंथ पहले हम इससे क्या करेंगे एटीन मंथ को हम क्या करेंगे इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे ठीक है मंथ दे रखे हैं हम इसे कन्वर्ट करेंगे ठीक है तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना एक्सरसाइज हमारी है एट पॉइंट थ्री क्वेश्चन नंबर हमारा है नाइन पहले हम गिवन कंटेंट लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास जो है इसका जो प्रिंसिपल दे रखा है प्रिंसिपल हमारे पास कितना है फोर थाउजेंड नाइन्टी सिक्स रुपीज़ और हमारे पास जो इसका रेट दे रखा है वो भी इस बार मिक्स प्रेक्शन में ट्वेल्व एंड ए हाफ परसेंटेज दे रखा है और हमारे पास जो इसका टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है वो है एटीन मंथ ठीक है तो मंथ्स को हमें क्या करना पड़ेगा ईयर में चेंज करना है तो पहले हम इसके रेट को चेंज कर लेते हैं ये रेट मिक्स फ्रैक्शन में है, तो कैसे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे देखिए हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्लस करेंगे ये ट्वेल्व टू जा ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर प्लस वन ट्वेंटी फाइव अपॉन टू इसका रेट हमारा आ गया अब जो हमारा टाइम जो दे रखा है टी फॉर टाइम एटीन मंथ में इसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना तो हम इसे क्या करेंगे ट्वेल्व से डिवाइड कर लेंगे किससे डिवाइड करेंगे ट्वेल्व से अगर ट्वेल्थ से नहीं अगर ये मैथड आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं एक साल में बारह महीने होते हैं तो बारह को आप एटीन से कम कर दें वो पूरा एक साल हो जाएगा और बचे हुए कितने सिक्स मंथ सिक्स मंथ का हाफ़ होता है तो वो भी हो जाता है ठीक है वैसे भी आप कर सकते हैं ठीक है तो अगर वैसे करना तो वैसे कर लीजिए वो इजी रहेगा ठीक है कैसे ट्वेल्थ मंथ का वन ईयर हो गया पूरा तो एटीन में ट्वेल्थ गए बचे सिक्स मंथ सिक्स मंथ का क्या हो गया हाफ ईयर हो गया ऐसे करके हम देख सकते हैं वन ईयर वन एंड हाफ ईयर ठीक है अब हमें इसे क्या करना है कंपाउंड करना है हाफ ईयरली कंपाउंड जो हाफ ईयरली करना होता है उसका जो अमाउंट का फॉर्मूला था एक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन टू हंड्रेड पावर टू की पावर एन होता है ठीक है जो कि एन सी आई टी बुक में आपके यहाँ दे रखा है देखो यहाँ पर दे रखा है एन सी आई टी बुक में आप देख सकते हैं यहाँ से हाफ ईयरली का फॉर्मूला अब हमें अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल हमारा कितना है फोर जीरो नाइन सिक्स अब वैल्यू पुट करेंगे आर हमारे पास कितना है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव अपॉन टू और अपॉन में हमारा ऑलरेडी टू हंड्रेड नीचे है यहाँ पर कैलकुलेशन में ध्यान देना और हमारा जो है जो टाइम है अब टाइम जो हमारा दे रखा था वन एंड हाफ़ ईयर इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इसको प्लस करना है टू वन जा टू प्लस वन थ्री तो यह हो गया थ्री अपॉन टू ईयर ठीक है अब जो एन की वैल्यू है टू थ्री अपॉन टू है एन की वैल्यू तो ये टू इंटू थ्री अपॉन टू से टू से ये टू क्या कैंसिल हो गया ठीक बचा हमारा थ्री अब ऐसे ही यहाँ पर हमें जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब जो ट्वेंटी फाइव है अब ट्वेंटी फाइव है और ये हमारा है टू हंड्रेड अब ट्वेंटी फाइव वन जा टू हंड्रेड कितने जाएगा? आएगा एट कट गया अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में अमाउंट फोर कामा जीरो नाइन सिक्स ठीक है अब सिंपल वर्ड में मैं इसको लिखता हूँ ऐसे करके और टू एट जा कितना होता है सिक्सटीन की पावर थ्री अब हम यहाँ पे एल्सीय लेंगे फोर कॉमा जीरो सेवन सिक्स हमारा एलसीयम सिक्सटीन आएगा सिक्सटीन प्लस वन की पावर थ्री फिर से सेम स्टेप आएगा क्योंकि कैलकुलेशन मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ये सिक्सटीन प्लस वन कितना जाएगा सेवनटीन अपॉन सिक्सटीन की पावर थ्री थ्री का पावर मतलब तीन बार इस चीज को लिखना पड़ेगा फोर कॉमा जीरो नाइन सिक्स इन टू सेवनटीन अ पॉइंट सिक्सटीन सेवनटीन पॉइंट सिक्सटीन सेवनटीन पॉइंट सिक्सटीन ठीक है अब इसके बाद क्या है इसके बाद है कैलकुलेशन आप इनको इनसे काट सकते हैं इसको इससे इसको इससे और इनकी मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर लिखेंगे तो वो कैलकुलेशन करने के बाद आप जैसे कि इसको टू के टेबल से भी काट सकते हैं ठीक है जैसे कि टू इसमें एट जा और ये टू टू जा ज़ीरो फोर और वन बचा फिर एट ठीक है ऐसे करके स्टेप स्टेप कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर सारा कैलकुलेशन करने के बाद वो आएगा फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टीन ठीक है फोर हंड्रेड नाइन हंड्रेड जो आपके आएगा अमाउंट अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है हमें क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड दी अमाउंट ही क्या रखा था तो जो अमाउंट जो देना होगा राम को वो जितना देना होगा फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड थर्टीन रुपीज़ जो राम को सबमिट करना होगा तो ये क्वेश्चन तो क्वाइट काफ़ी का, छोटा था काफ़ी लेंदी नहीं था क्योंकि सिंपल था ओके अगर वीडियो अच्छी लगे क्वेश्चन अच्छे समझ अगर ना आ रहा हो तो आप पॉज कर करके कर देख सकते हैं कमेंट भी कर सकते हैं ठीक है और वीडियो को पूरा से पूरा देखिए और स्लोली स्लोली करके देखिए क्योंकि ये चैप्टर जो है कंपेयरिंग क्वालिटी काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है इसके अंदर और काफ़ी टफ़ चैप्टर माना जाता है तो आप अगेन एंड अगेन बार बार भी देख सकते हैं और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए टेक केयर